एक लड़की आम सी, एक लड़की आम सी में आज आप देखेंगे कि फरहान को अनमोल ये बताना चाहती है कि मुझसे तो जो गलती होगी उसका असाला हो सकता था, लेकिन फरियाद भाभी ने जो गलती की उसकी तो अब कोई उम्मीद भी नहीं कि जेवरात असली दोबारा वापस मिल सके। यहाँ पे मम्मी जान अपनी अजान बेटे को लेके बहुत परेशान हैं कि वो जेवर ही एक आखिरी सहारा था कि मेरा बेटा कारोबार शुरू कर ले। सबूही को सारी बात फरियाल जब फ़ोन करके बताती है तो सबूही कहती है कि बस अब तुम इन सब का पीछा छोड़ दो, नहीं आप भी अपनी नंद को लेके बहुत परेशान हैं कि हम तब तक यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे जब तक तुम्हारा घर नहीं बस जाता। दोस्तों अब देखना यह है कि फरियाल आखिर उन असली जेवरात तक अब कैसे पहुँचेगी। उसने तो दोबारा नौकरानी को काम पर भी रख लिया है। अजान बहुत गुस्सा होता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर दोबारा यकीन करने की। तुम्हें क्या लगता है कि वो चंद मामूली पैसों के लिए असली जेवरात, इतनी मालियत की रकम की जेवरात वापस कर देगी? जमीला ने तो फरियाल को सही नाच नचाया। यहाँ पे सबूही परेशान रहती है कि आखिर क्यों उसके घर वाले उसकी शादी की बात करना छोड़ते नहीं। देखना अब ये है कि अलमोल आखिर कब तक फरियाल की जाल में फंसी रहती है, कब तक फरियाल की इन चलाकी बाजियों के पीछे अलमोल इस तरह से परेशान होती रहेगी जिस के बारे में उसे कुछ पता भी नहीं। अलमोल तो फरियाल को अपनी भरी बहनों की तरह समझती है। मम्मी जी भी परेशान रहती हैं कि मैं जैसे ही अलमोल पे यकीन करती हूँ उसे अगले ही दिन काम गलत